चित्तौड़गढ़ में सोमवार को विधानसभा चुनाव का रंग दिखने लगा है, जिसमें भाजपा प्रत्याशी नरपत सिंह राजवी चित्तौड़गढ़ पहुंचे। चित्तौड़गढ़ सीमा पर पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनका पुष्प वर्षा करके स्वागत किया। वहीं राजवी के शहरी क्षेत्र में पहुंचने पर सुभाष चौक पर जेसीबी से पोस्ट वर्षा कर पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर राजवी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चित्तौड़गढ़ उनके लिए नया क्षेत्र नहीं है, वह करीब 15 साल पहले क्षेत्र से चित्तौड़गढ़ विधायक रह चुके हैं। पार्टी जिसको सिंबल देगी, पार्टी की कार्यकर्ता और पदाधिकारी साथ रहेंगे। वहीं उन्होंने चंद्रभान सिंह आक्या के निर्दलीय चुनाव लड़ने के बारे में कहा कि बैठकर बातचीत की जाएगी और उन्हें आशा है कि वह चंद्रभान सिंह को मना लेंगे। चित्तौड़गढ़ किस तरह से देखते हैं? मेरे हृदय में बसता है, जिले की ड्यूटी का सब अंदर है। 10 साल से पीछे करना भी जनता से दूरी, अब जनता की किन बातों को किन दावों को लेकर जाएंगे? दूरी कभी नहीं रही है, संपर्क में रहा हूँ और वादे यहाँ पे 70 साल में क्या किया है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बताऊंगा। तो काम किए, काम सेवा करने के नीयत से आया हूँ और सेवा करके जाऊँगा। लेकिन सर आप ही किस तरह देखते, क्या कोई कड़ी चुनौती मिलने वाली है? नहीं, कोई चुनौती नहीं, सब सही हो जाए। आपने बात करी? नहीं करी अभी तक, बात करें कोई दिक्कत फिर भी पार्टी के आधार पर काम कर बहुत अच्छा लग रहा है। कार्यकर्ताओं में उत्साह है और जीत का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, दिखा देंगे, जीत कर दिखाएंगे। चंद्रपाल जी यहाँ आपके सामने खड़े हैं, वो भी बात कर रहे हैं, क्या माने आपसे? इसको सिंबल मिलेगा, पार्टी के साथ है कार्यकर्ता, पार्टी के विरोध सिंबल के साथ।